जिसको बोलते हैं लाइनिंग, लाइनिंग लगाना, ये करना करना, तुम आपके सामने की लाइनिंग को करे, दो भागों में डबल करे, डबल करके जैसे इसकी लंबाई 44 है, लंबाई को रखा पूरा, लंबाई का जैसे इसमें पूरा निशान जैसे बोट नेक के हिसाब से इसका गला बोट नेक के हिसाब से 10 इंच गले की चौड़ाई, और इसका तीरा है 15 इंच, शोल्डर कंधे की आधी लंबाई, उसके बाद कमर, इसमें जैसे प्लेट डालनी, साइड प्लेट डालनी है तो उसी का निशान साथ साथ में 3.5 यानी कि 7 इंच की प्लेट लंबी, और ये है 1.5 इंच का फ्रंट, 9 इंच इसका चेस्ट का नाप है, 6 इंच साइड प्लेट, और 1 इंच प्लेट का गैप, ये प्लेट का नाप आ गया। उसके बाद आगे इसके चोक की लंबाई 22 इंच पर, चोक की लंबाई 22 इंच पर, हिप का निशान 19.5 इंच, घेरा इसका है 21 इंच। अब इस पे ये पूरा निशान लगा लेते हैं, फट्टी से निशान लगा लेते हैं, जिस जिस हिसाब से अपने को इसकी कटिंग करनी है उस हिसाब से इसका निशान आ जाएगा। ये इसका प्लेट का निशान है, ये सेंटर का निशान लगाने के बाद इसमें फ्रंट की कटिंग की गोलाई करो, ये बैक की गोलाई है 1.5 इंच छोड़ के, ऐसे ही सेम इधर फट्टी का निशान लगा लो। इसके बाद इसकी कटिंग कर दो, 1.5 इंच का गेप ये आ गया अस्तर, डेढ़ इंच गैप आने के बाद में 1.5 इंच के हिसाब से आ गया, फिर इन दोनों की कटिंग कर दो। पहले तो ये कटिंग कर दो इन दोनों की इकट्ठी में, इसका शोल्डर गिरा दो 1/2 इंच, ये निशान लगा दिया इसका कुटके का, और ये है इसकी फ्रंट की कटिंग 1.5 इंच के हिसाब से, कुटके का निशान सभी जगह लगा दो, और ये इसका है प्लेट का निशान, इसका साइज है जो वो लिख दो, 19.5, 16, 19.5, 21, जो नाप का नंबर है वो भी लगा दो, 75, प्लेट का निशान आ गया इसका सर्विसिंग। तो ये तो इसकी पूरे फ्रंट और बैक की कटिंग। इसके बाद अपने कट करेंगे इसकी बाजू की कटिंग, बाजू की कटिंग इसका गैप आ गया, जो फोल्डिंग करनी है अपने को
ये बाजू की लंबाई 17 इंच, आधा इंच बढ़ा के 3 इंच की ये गोलाई इसकी कंधे की। इसकी बाजू मोड़ है, बाजू की आगे से गोलाई 10 इंच और कंधा इसका रखना है अपने को 8.25 इंच। ये फट्टी का निशान, इस हिसाब से गोलाई दे के इसकी कटिंग। इसकी बाजू मोड़ है 10 इंच। इसमें यहाँ कुटका लगा, कुटका लगाने के बाद इसको कटिंग कर दो 1 इंच, जैसे अपने फ्रंट में करिए वैसे ही ये फ्रंट बाजू में हो जाएगी। ये तो है इसकी कटिंग। इसमें जैसे कि डबल करा कपड़े को डबल करने के बाद 4 तय करें कपड़े को। ये जैसे इसकी बाजू है, बाजू की कटिंग रखने के बाद इसकी कटिंग कर दूंगा। फिर इसको भी पेस्टिंग करना पड़ेगा, सूत धागे से कच्चा करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेके आप। इस हिसाब से डबल कर लें कपड़े को। डबल करने के बाद इसको सेम ऐसे ला के बिल्कुल सीधा पीस इसको ढक दे। इस हिसाब से सीधा पीस आ जाए, फिर इसमें हल्के हल्के प्रेस मार दें, क्यों उसमें सेंटर का निशान भी बन जाएगा और प्रेस भी हो जाएगी, फिनिशिंग कपड़े में आ जाएगी। इसमें जो नीचे का फोल्डिंग का निशान, इसमें जहाँ नीचे फोल्डिंग का निशान देना 3 इंच का लगा के, उसके बाद इसमें पूरी लंबाई का निशान लगा दें। फिर इसके ऊपर जो अपना कटिंग करा हुआ कपड़ा, इसी के ऊपर सेम ऐसे रख दें। पास पास में इसके कटिंग कर दें, क्योंकि ये कच्चा करने के बाद इसको तैयार कंप्लीट हो जाएगा। ये तो इस हिसाब से ये फ्रंट की कटिंग हो जाएगी।